इस समय हम डेरा सच्चा सौदा आश्रम बीकानेर के आश्रम के अंदर मौजूद हैं, जहां जोधपुर के जो नाभासर गांव के रोड पे आश्रम स्थित है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बाहर की बात की जाए तो यहां बड़े बड़े रेतीले पहाड़ हैं और उनपे कंटीलेदार झाड़ियां हैं। बात कीजिए आश्रम की तो आश्रम के अंदर बहुत ज्यादा हरियाली है। कैसे ये पॉसिबल है ये बात करते हैं हम यहाँ के सेवादारों से, जो यहाँ के टेम्परेचर के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पे इस तरह से हरियाली और ऐसे ऐसे पेड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं जो बहुत ही मुश्किल है जो गर्मी के अंदर लगाना। ये हिस्सा है जो दरबार के अंदर का है और यहाँ पे सेवादारों की मेहनत है और पूज्य पिता जी द्वारा का जो करिश्मा है, इतने टेम्परेचर और इतने गर्मी के बावजूद यहाँ पे हरियाली है और इस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि एक बार वो जरूर यहाँ का दृश्य दिखाए। यहाँ पे हरियाली नजर आ रही है और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, फलदार यहाँ पे पौधे हैं और यहीं पे सेवादारों का कहना है कि जो यहाँ पे बेर हैं, बेरों के जो पेड़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं जिनका वजन 100 से 150 ग्राम का वजन है, बहुत ही मीठे रसदार वो फल हैं। बेर की खेती यहाँ पे की जाती है, चीकू की खेती यहाँ पे की जाती है और यहाँ पे मौसमी के पेड़ यहाँ पे काफी लगे हुए हैं, काफी अमरूद के पेड़ यहाँ पे काफी संख्या में लगे हुए हैं, तो सब्जियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं। जिस तरह से यहाँ पे गर्मी और राजस्थान का टेम्परेचर देखने को मिलता है कि किस तरह से यहाँ पे पानी का प्रबंध किया गया है और किस तरह से यहाँ पे हरियाली की गई है, तो ये सब कुछ देखने को बनता है। ये पूज्य पिता जी की रहमत है और सेवादारों की यहाँ पे मेहनत भी है। तो कुछ सेवादार भी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम गीता है। तो कहाँ से आप आए हैं? हम हरियाणा से। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? हमें आपके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सूखी और कांटेदार झाड़ियाँ हैं, रेत के बहुत बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे सारी हरी भरी पेड़ पौधे देखते हैं। तो इसका क्या कारण मानते हैं? हम ये कारण मानते हैं कि इतनी गर्मी के बाद भी यहाँ पे चीकू के पेड़ यहाँ पे हैं, मौसमी के हैं और हर कोई सब्जियाँ वगैरह। दरअसल जो यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, उन्होंने बताया कि यहाँ जो बाहर का दृश्य है बहुत ही यहाँ पे गर्मी का और कंटीलेदार, बड़े बड़े रेत के यहाँ टीले हैं, मिट्टी यहाँ पे ज्यादा उड़ती है। और बात की जाए जो डेरा सच्चा सौदा की, तो ये आश्रम है राजस्थान का, बीकानेर का ये आश्रम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हरियाली है, कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के अंदर हरियाली होती है उस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन जोनी के साथ सचकों के लिए जसविंदर सिंह राज।